आज आ गए हैं एक शंख बेचने वाले भैया के पास। ये शंख हैं जी? हाँ जी, शंख है। अच्छा, ये समुन्द्र में पाए जाते हैं और वहाँ से व्यापारी लोग लाते हैं, उनसे खरीद के हम लोग बिक्री करते हैं। अच्छा, तो ये समुद्र से निकला हुआ शंख जी, होता है? समुद्र से निकलता है। अच्छा, इसमें कुछ नकली वकली तो नहीं है? नहीं, शंख में नकली नहीं होता। शंख की घिसाई होती है, पॉलिश होती है, सफाई होती है। बस ज्यादा से ज्यादा हो तो टूट फूट हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। नकली शंख नहीं बनते। नकली शंख नहीं बनते? नहीं हैं। बनते। अच्छा, समुद्र में इतने शंख हैं कि इतना लोग यहाँ नहीं है पृथ्वी पर, क्योंकि तीन हिस्सा पानी ही पानी है। सात समुन्द्र हैं, ये हैं, वो है। अब यहाँ तक कि बाहर से भी शंख आते हैं हमारे देश में बिकने के लिए, तो आदमी लोग बोलते हैं कि नकली है, नकली है। नकली नहीं है, ये ओरिजिनली शंख होता है। कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई उससे भी मतलब कि थर्ड होता है उसी में, लेकिन है ओरिजिनल तो आपका कहने का जी। मतलब यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर इतने लोग नहीं है जितने शंख हैं, शंख हैं जी, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते समुद्र हैं। में पाए जाते हैं। अच्छा, अनेक प्रकार, हजारों प्रकार के हैं। हजारों प्रकार के जी हैं? जी आपके पास कितने प्रकार के हैं? मेरे पास तो यही 5-7 प्रकार के ही थोड़ा हैं। बताइए जरा इसके बारे में। जैसे कि ये चंद्रमुखी हो गया। ये चंद्रमुखी है? हाँ जी, ये भोलेनाथ के शंख होते हैं ये बजाने के लिए। और है जैसे ये विष्णु शंख हो गया, ये बड़े साइज में हो गया, छोटे साइज में हो गया, है एक ही, हैं एक ही, लेकिन हाँ छोटे बड़े हैं। जी। ठीक है। इनकी आवाज साउंड हल्के फूंक से ये बजेगा। ये ये जो छोटे वाले हैं ये भी बजेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। इसमें ताकत लगानी जी। पड़ेगी। ये लक्ष्मी शंख है जी। तो लक्ष्मी शंख क्यों बोला जाता है इसको? लक्ष्मी शंख इसलिए बोला जाता है जी कि इसे घर में यूज करते हैं ज्यादातर लोग। मंदिर अच्छा, वगैरह में नहीं देखने को मिलता, मंदिर में ये विष्णु शंख ही यूज होता है। अच्छा, ये शंख ये चंद्रमुखी? चंद्रमुखी, ये भोलेनाथ के शंख होते हैं, भोलेनाथ का मंदिर अच्छा, में रखते हैं स्पेशली ये भोलेनाथ के मंदिर में जी। लगाए जाते हैं, रखे हाँ, जाते हैं। एक ये है हमारे पास, अभी और है नहीं, ये पंचमुखी शंख है। पंचमुखी, हाँ जी। ये और कहाँ यूज होता है? ये भी घर में बजाया जाता है ये भी घर में पंचमुखी। बजाया हाँ, जाता है? ये ब्रह्मा विष्णु गौरी गणेश का होता है, इसलिए लोग अच्छा, पंचमुखी इसको बोलते हैं पंचमुखी बोला जाता जी। है इसको, हाँ, पंचमुखी। और एक ये है जल चढ़ाने के लिए, जो स्पेशल होता है, दक्षिणावर्ती संघ दक्षिणावर्ती, जी। ठीक ये है। सारे संघ जितने भी आप पाओगे ना, वो लेफ्ट हैंड के होंगे, ये राइट हैंड का होता है। अच्छा, हाँ, ये एक ये एक इकलौता ऐसा शंख है जो हाँ, राइट हैंड का रहता राइट है, हैंड का दक्षिणावर्ती जिसको जी बोलते जी हैं। आप तो कोई भी इसमें संघ पानी मतलब जल कैसे चढ़ाते हैं? ये जैसे भगवान के ऊपर ऐसे जल ऐसे देते हैं जल चढ़ाते जी। हैं? अगर जिसमें आप पानी भरोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसका यहाँ बंद होता है, ये बजाया नहीं जाता है। अच्छा, इसको बजाने के लिए नहीं है ये? नहीं, मैं बजाने जस्ट के यही पूछने वाला था। स्पेशली ये जल चढ़ाने के लिए होता है, बस केवल जल चढ़ाने के जी। लिए होता है? अच्छा, दक्षिणावर्ती शंख बोला जाता है लेकिन बजता नहीं है ये? हाँ जी, हाँ। ठीक है। अच्छा, और शंख बजाने से शरीर सही रहता है, हेल्थ बढ़िया होता है, इससे मतलब प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है कुछ। अगर जो आप ना भी बजाओ, घर पर इसे रखो, तो भी आपको ये प्रॉफिट ही देगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये शुद्ध चीज है। इसमें इससे हाँ, घर में सुख शांति सुख बढ़ती है। शांति आती है जी। तो ऐसा मैंने सुना है कि इसको बजाने से जो है वो वातावरण में कुछ हाँ क्या जी, नेगेटिव को वो भगा देता है, पॉजिटिव पैदा करता है। हाँ, नेगेटिविटी जो आसपास रहती है उसको ये जो भगाने का काम करता है, करता इसकी है जो जी। ध्वनि होती है हाँ जी, वह जितने दूर वातावरण तक शुद्ध होता है। जी जी तो अभी आपके पास करीबन 5-7 प्रकार के शंख हैं, जी। और बाकी कितने प्रकार के शंख पाए जाते हैं आप संघ इतना में? तो वैसे हजारों प्रकार के होते हैं, कुछ बजने वाले होते हैं, कुछ शोपीस होते हैं। अच्छा, तो हाँ जी, आप कितने शंखों का नाम जानते हैं? जैसे मैं 8-10 तक तो जानता ही हूँ मैं। बताइए। जैसे कि अन्नपूर्णा शंख हो गया, पंचमुखी हो गया, दक्षिणावर्ती हो गया, विष्णु शंख हो गया, लक्ष्मी शंख हो गया, और एक गणेश शंख अभी भी लोग ढूंढते फिरते हैं, वो भी है अच्छा, जी। गणेश शंख का ज्यादा मैंने सुना है कि हाँ, वो गणेश मिलता शंख नहीं है हाल फिलहाल। मिलता नहीं है जी। हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं है, होता कम होगा इसलिए ज्यादा मतलब। अच्छा, इसको बजाने की थोड़ी आप विधि बता रहे थे, वो क्या है? ये बजाने के लिए होंठ गीला करके ना साउंड करना है, इसमें फूंक नहीं मारनी है। फूंक नहीं मारनी है? नहीं, जैसे सिटी वगैरह में लोग सीधे फूंक मारते हैं, वो नहीं मारनी इसमें। इसमें वाइब्रेशन से बजेगा, हमारी आवाज को बदल के अपनी आवाज देगा। अच्छा, हाँ आवाज हमारी होगी हाँ तो वो जैसे हमारी आवाज को बदल के वो अपनी आवाज धुनी में देगा, फिर वो ये आवाज अंदर जाके टक्कर कराती है, और उसके बाद में वो साउंड बन के निकलता है फिर।
अच्छा, ये हवा से नहीं बजता है? नहीं, हवा से। अच्छा, हम लोग आज तक ये समझते थे कि शंखों को बजाने के लिए आपको बहुत तेज फूंक मारनी होती है। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे बांसुरी हम बहुत कम नहीं समझ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ताकत से बजता है, ताकत से बजता तो मैं दुबला पतला हो जाता और मुझे दिन में 50 बार बजाने होते हैं। तो ये ताकत से नहीं और मतलब ज्यादा तेज से भी नहीं, आराम से रिलैक्स से फ्री होकर जितना बजाओगे अच्छा बजेगा। तो अगर ये माना जाए कि भैया की जो बातें बताई इन्होंने और ये सब चीजें बताई कि शंख बजाने से इतने फायदे होते हैं, तो ये मेरा सुझाव है कि छोटे बच्चों से हमें शंख बजाने का जो अभ्यास है और ये सब चीजें हैं, हमें छोटे बच्चों से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एक धार्मिक नजरिया भी है, देखने का एक धार्मिक अलग है ही है, साइंटिफिक भी है। लेकिन अगर इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अगर ये छोटे बच्चों से बचपन से ही अगर उनको बजाने की प्रैक्टिस कराई जाए तो कहीं ना कहीं उनकी तभी उनको सांस की बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये आपने मुझे नहीं बताया, देखो मैंने ये बात कही है। और इनसे मतलब फेफड़े वगैरह भी सही रहते हैं, आप मतलब सारा दिन चाहे जो भी खाते पीते हो, अगर जो आप शंख फूकोगे तो हवा द्वारा मतलब आपकी जितनी भी पेट की गंदगी हो वगैरह हो वो निकल आती है बाहर, क्योंकि आदमी अंदर से मतलब दान लगा के फूकते हैं ना कुछ लोग। तो एक शंख के इतने सारे फायदे हैं, मैं मानता हूँ कि शंख अगर हम लोग शुरू से बजाना शुरू कर देंगे तो लंग्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होने वाला जो फेफड़ों से जुड़ा होगा, और गले की जो एक्सरसाइज होती है वो तो सब मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं कि इसको बजाने से गले की एक्सरसाइज हो जाती है। और बाकी इसका धार्मिक दृष्टि से देखें तो भैया ने आपको इसके बारे में बताया, सुख शांति रहती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताया, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। शंख जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पंडित हम नहीं है, हम नहीं बजाएंगे, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, शंख हर किसी को बजाना चाहिए, शंख बजाने से अच्छा होता है, बढ़िया होता है। पंडित का इसमें इसमें कोई मैटर नहीं, पंडित वगैरह का नहीं, इसे कोई भी बजा सकता है, वो भी खाना खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पंडित है तो वो बजाएगा और हम ऐसे हैं तो नहीं बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विधि है, व्यवस्था है, भगवान की पूजा है, आस्था है, वो अपने ऊपर मतलब बजाना ही चाहिए शंख को। चलिए ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों के हित में हो, समाज हित में हो, लोगों तक ये बात पहुंचाइए। शंखों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बस इतना पता है कि बहुत तेज फूंक मारनी पड़ती है, ऐसा नहीं है फूंक से नहीं बचता, भैया ने आपको जैसा बताया। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए सही जानकारी, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। भैया अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम टुन्नू कुमार है। टुन्नू कुमार जी, बड़ा अच्छा नाम है भैया का। कहाँ के रहने वाले वैसे आप? मैं बिहार का सासाराम। अच्छा, बिहार सासाराम से हैं आप, तो यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ का यहाँ। चलिए, 200 साल से। अच्छा, कितने साल से? 20 साल हो गए। 20 साल से हैं? अरे वाह, तो शंख का ही काम करते हैं आप? हाँ, शंख ही।